नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास। श्री आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट ने 100 दृष्टिहीन लोगों को राशन किट बांटकर मनाई दिवाली। देश भर में मनाए जा रहे सबसे बड़े त्योहार दीपावली के अवसर पर मुंबई में श्री आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आंखों से देखने की क्षमता खो चुके 100 दृष्टिहीन लोगों को राशन के किट बांटकर उनके साथ दीपावली का त्यौहार मनाकर एक नई मिसाल कायम की एवं त्यौहार का असली अर्थ सार्थक किया। इस प्रोग्राम में श्री आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अलावा पुलिस बॉयज एसोसिएशन के पालघर जिला उपाध्यक्ष प्रताप दुबारे, जिला सचिव यशवंत भारद्वाज, नाला सुपारा महिला अध्यक्ष रजनी गड़ा, नाला सुपारा शहर अध्यक्ष तेजस दुपारे, प्रकाश गड़ा, फिल्म एक्टर सुभाष सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। देखिए इस प्रोग्राम की कुछ यादगार तस्वीरें और एक दृष्टिहीन द्वारा बजाया जा रहा वाद्य यंत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। क्या नाम है आपका? जय श्याम। आज आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट दाता श्री जयतीलाल शांतिलाल शाह फैमिली की तरफ से प्रज्ञा चक्षु के पालघर डिस्ट्रिक्ट के जितने थे उनका रजिस्ट्रेशन करवा के 100 प्रज्ञा चक्षु फैमिलीज को विरार में बुला के उनको दिवाली सेलिब्रेशन किया, जिसमें एक महीने का राशन किट के साथ में मिठाई का वितरण प्रदाता परिवार से किया गया। और जो आपकी जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे और कौन कौन से समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं? हमारा जी श्री आदिजीन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट जो वाल्टेर सर्च से है, वो COVID-19 से ऐसे तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, लेकिन COVID-19 से यहाँ नाला सोपारा में एक जैसे सीनियर सिटीजन की टिफिन सेवा, जीविया क्षेत्र में करीबन गुजरात महाराष्ट्र की जीविया क्षेत्र में गौशाला संभालना है, टाटा वाड़े हॉस्पिटल्स में पेशेंटों को ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल करना है, डेली फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करना है वाड़े हॉस्पिटल में, इस टाइप की काफ़ी समाज सेवा कार्य आदिजीन ट्रस्ट कर रहे हैं। और आपको इसमें आपके संस्था में किन किन लोगों का सहयोग है, किस प्रकार से करते हैं, सहयोग होता है? हमारे जो आदिजीन जो ट्रस्ट है वो बिलोंग्स टू ऑल आर, जो हमारे जो ट्रस्टी से लेके कमिटी मेंबर्स है, ऑल आर बिजनेस क्लास। नॉर्मली 50% तो जो है हमारे जो कमिटी मेंबर्स है वो ही इटसेल्फ डोनर्स है, और काफ़ी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और अच्छा अच्छा जो प्रोजेक्ट्स है उसमें साथ दे के इस टाइप के सारे गुड कॉज का कार्य हो रहा है। और अभी जैसे COVID-19 में है, तो COVID-19 में करीबन पालघर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 8,000 फैमिली को राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, करीबन 1,00,000 फूड पैकेट्स COVID-19 में डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस टाइप की काफ़ी सेवा है और 24/7 थ्रू आउट द काम हो रहा है, नॉट ओनली फॉर दिवाली। ये हमारा जो आदिजीन ट्रस्ट है और 24/7 काम थ्रू आउट ऑल ओवर सेक्टर्स में गुजरात महाराष्ट्र में काफ़ी काम हो रहा है, और हमारी टोटली 40 जन की टीम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग अलग सेक्टर्स में सारा काम कर रहा है। जैसे समाज में जो सीनियर सिटीजन्स है और जिनके मतलब बच्चे उनके माँ बाप को मतलब हेल्प नहीं करते और वो अपने माँ बाप को ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं अपने उनके हालात पे, उनके उनसे संबंधित आपकी ट्रस्ट क्या काम करती है?
जिससे सीनियर सिटीजन में जो जो बच्चे पाल नहीं पा रहे हैं, छोड़ देते हैं, तो पहली प्रायोरिटी में तो पहले भोजन, पहले कैसे भी करके उनके वहाँ भोजन पहुँचना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने शुरुआत COVID-19 में आज से 16 महीने के पहले किया था कि भाई उनको कैसे भी करके घर में टिफिन सेवा को पूरी करनी है। टिफिन सेवा से चालू करके फिर ध्यान आया कि जब ये सीनियर सिटीजन है तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी काफ़ी लग रही है, तो साथ ही साथ में डॉनर्स से अपील करके उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करवाई। इसके बाद में वैसे कोई ऐसे लोग थे जिनके घर भी नहीं है, वे भी नहीं है, तो हमारे साथ काफ़ी एनजीओ जुड़े हैं, तो उन लोगों को भी एक अच्छे आश्रय के लिए ओल्ड एज शेल्टर जो है वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ बेचते हैं, और जब तक उनका आयुष्य है तब तक जिम्मेदारी ट्रस्ट और एनजीओ लेके उनको राइट पर्सन और राइट जगह पे शेल्टर में पहुँचाते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।